हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला। ये कैसे बनती है आपको जानना है तो मेरा वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा। और आप मेरी चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी भरवा करेले की तो आप ये हमें कमेंट में कहें कि आपको ये कैसी लगी। और आपको कोई नई रेसिपी जाननी है तो भी आप हमें इस कमेंट करके कह सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है हमसे। चलो शुरू करते हैं भरवे करेले की रेसिपी। हमें भरवा करेला के साग सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे करेले लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके छिलके निकालूंगी। हमें इस तरह से इसके छिलके निकालने रहेंगे। अब मैं इसे कट करूंगी। और बीच में ऐसे कट लगाऊंगी। हमें ज्यादा नहीं कट कर लगाना है, थोड़ा सा ही कट लगाना है। अब देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट लगाए। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। हमें भरवा करेले की सब्जी बना रहे हैं, वो बिल्कुल कड़वी भी नहीं बनेगी और खाने में टेस्टी भी बनेगी। आप देख सकते मैं इसी तरह से सारे करेले को कट करूंगी। मैंने यहाँ सारे करेले में कट लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। हम नमक इसलिए मैं इस ऐड कर किया है कि जिससे इसमें कोई करवास हो करेले में वो निकल जाए, इसलिए हम इसमें नमक ऐड करते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके बीज निकालूंगी और उसे अच्छी तरह से मसलूंगी जिससे हमारे बीज निकल जाए और इसके करेला की जो करवास होती है वो भी निकल जाए। हमें इस तरह से इसे मसलना रहेगा। अब देख सकते हैं हमारे अंदर के बीज आसानी से निकल जाएंगे ऐसे मसलेंगे तो। इसी तरह मैं सारे करेले के बीज निकाल लूंगी और इसे अच्छी तरह से मैंने यह सारे करेले के बीज निकाल लिए इसी तरह सभी में से। अब मैं इसे अच्छी तरह से फिर से मसलूंगी।
जिससे हमारा नमक अच्छी तरह से इसमें चला जाए और करेले की करवास अच्छी तरह से निकल जाए। और उसके बाद मैं इसे 3 से 4 पानी से वॉश करूंगी। अब देखिए इस तरह से अच्छी तरह से टेस्ट करके सारी करवास हमें निकालनी रहेगी। और हम इसे दूसरी प्लेट में रख के जाएंगे। अब मैं ये सारे करेले को 3 से 4 पानी से वॉश कर लूंगी। उसके बाद हम इसे स्टफिंग इसमें भरेंगे। मैंने यहाँ अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके साइड में रखती हूँ ये, और ये स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और एक बाउल बेसन का आटा लिया है। आधी टीस्पून जीरा पाउडर, दो टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून हींग, एक इंच अदरक जो हमने कद्दूकस की है, चार से पांच ग्रीन चिली बारीक काटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक काटी हुई, और एक छोटा बाउल शुगर ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी हरी धनिया, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आप स्पून से भी कर सकते हैं मिक्स, पर मैं यहाँ अपने हाथों से मिक्स करूंगी इसे अच्छी तरह से। हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारा चीजों को। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करूंगी।
अब 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तेल भी सारे इंग्रेडिएंट्स में लग चुका है, आप देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी, हमें एक साथ ही सारा पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी ऐड करना रहेगा। हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, हमें इसे हाथ ही रखना है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडी कर लिया है, आपको भी ऐसा ही दो तैयार करना रहेगा। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था, उसमें से ये 1/2 कप बच गया है। अब मैं ये स्टफिंग रेडी हो चुका है, अब मैं इसे करेले में भर लूंगी। इस तरह से मैं इसे अंदर ऐसे हमें भरना रहेगा। मैं इसी तरह से सारे करेले को भर लूंगी। हमने यहाँ पे सारे करेले को भर लिया है, देखिए। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। हमने यहाँ एक कढ़ाई में तेल रखा है, गर्म हो जाने के बाद हम भरवा करेले को फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जो हमने करेले भरे हैं वो उसमें ऐड करेंगे। हमें इसे तुरंत नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के बाद हम इसे हिलाएंगे। हम इसे तुरंत हिलाएंगे तो जो हमने करेले में स्टफिंग भरा है वो तेल में निकल जाएगा। अब मैं इसे हिलाऊंगी, हमें स्लो ही हिलाना रहेगा जिससे हमारे जो स्टफिंग भरा है वो निकले नहीं।
अब मैं इसे पलटूंगी, जिससे ये सभी साइड से अच्छी तरह से पक जाए। आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना रहेगा। मैं आपको दिखाते हैं, अभी हमारे करेले रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन ही करना रहेगा। अब हमारे ये करेले तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे करेले को रेडी कर लूंगी। एक बार दोबारा आप देख लीजिए कि कैसे करना है। हमें ज्यादा इसमें नहीं डालना है, जितने तेल में समा जाए इतने ही हमें इसमें ऐड करने रहेंगे। और हमें इसे तुरंत भी हिलाना नहीं रहेगा, हमें थोड़ी देर के बाद इसे हम हिलाएंगे। और हमें गैस की फ्लेम को भी लो टू मीडियम ही रखनी है। अब मैं इसे हिलाऊंगी। अभी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे करेले को फ्राई कर लूंगी। हमारे यहाँ भरवा करेला रेडी हो चुके हैं, हमने यहाँ फ्राई करके आपको सर्व भी कर दिया है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में कि कहे कि आपको ये हमारे भरवे करेले की रेसिपी कैसी लगी। और आपको कोई नई रेसिपी जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके भी कह सकते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और आप मेरी चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।